मोहम्मद जावेद चौहान। अच्छा, आप अल हकीम यूनानी मेडिकल सेंटर में पहली बार किस लिए आए थे? मैं पहली बार एग्जामा के लिए आया था, हेयर फॉल हो रहा था, उसके लिए मैं आया था। और मुझे आपका एड्रेस गूगल से मिला। अच्छा, गूगल से मिला मेडिकल सेंटर। अच्छा, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हेयर फॉल कितनों दिनों से आपको हो रहा था? करीबन मुझे 2 साल से हेयर फॉल हो रहा था। हाँ, और एक सेटिंग मैंने आपसे कराया 15 दिन पहले किया था। 15 दिन पहले आपसे एक सेटिंग कराया, तभी अलहमदिल्ला अभी बहुत फ़र्क दिखा। अच्छा, डैंड्रफ बहुत थे मुझे, तो डैंड्रफ भी बहुत कम हो गए। और सर दर्द था उतारा मुझे, सर दर्द भी मुझे अभी बंद हो गया जी। और नींद अच्छी आने लगी अलहमदिल्ला, और फिर खुजली आती थी जो सर पे, वो भी बंद हो गई है काफ़ी। अच्छा, तो हिजामा कराने जब आप आए थे तो आप तो ये सोच के आए होंगे कि हेयर फॉल हो रहा है और हिजामा से उसमें फ़ायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन उस टाइम आपको ये नहीं मालूम रहा होगा कि मेरा जो हेडेक है वो भी ठीक होगा, जो डैंड्रफ है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, जो ईचिंग हो रही है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये आपको नहीं मालूम रहा होगा। हाँ, यानी आप हेयर फॉल की वजह से हिजामा आपने कराया, लेकिन साइड में आपको ये सारे फायदे मुझे बहुत हुए। जैसे कि मैं खाली ये सोच के आया था कि हेयर फॉल के लिए करा था, लेकिन अभी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस भी बढ़ गई है। अच्छा, एक सेटिंग के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फायदे हुए मुझे। अच्छा, तो यहाँ जब आप आए अल हकीम यूनानी मेडिकल सेंटर पे और यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ से मिले, तो यहाँ के स्टाफ आपको कैसे लगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर जैसे लगे जी। और डॉक्टर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, जो बहुत सारे क्वेश्चन आपने किया हिजामा के ताल्लुक से, तो वो सब आपको बताया कि हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझाया कि क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझाया मुझे। अच्छा, तो हिजामा से जो आपने फ़ायदा महसूस किया है, तो जो और लोग हैं जो हेयर फॉल में मुबतला हैं, जिनको हेयर फॉल की दिक्कत है, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा अलग के यूनानी सेंटर है जी। और एक बार करा के देखिए, फिर दूसरी बार आप खुद इंशाल्लाह। बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर है और बहुत अच्छे ही मतलब तरीके से करते हैं, हाइजीन का बहुत ख्याल रखते डॉक्टर।